काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो लास्ट तक देख लेना, इस वीडियो की सारी सच्चाई मैं बताने वाला हूँ। यदि आप टिकटॉक यूजर है तो भी देख लेना वीडियो, यदि टिकटॉक यूजर नहीं है तो भी देख लेना। यदि क्योंकि कुछ टिकटॉक ऐसे यूजर है जो काफी ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में ये जान लेते हैं, ये एम्बुलेंस 4 घंटे में मैंगलोर टू बेंगलोर कैसे पहुंचा और क्यों पहुंचा, क्या कारण था जिसकी वजह से उसे 7 से 8 घंटे के रास्ता को 4 घंटे में तय किया गया। इस एम्बुलेंस में 40 डे बेबी का हार्ट ट्रांसमिट करना था, इसकी वजह से एम्बुलेंस को मैंगलोर से बेंगलोर की सफर 7 से 8 घंटे की रास्ता को 3.5 से 4 घंटे में तय करना पड़ा। और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले ने काफी हेल्प किया उस एम्बुलेंस को 3.5 घंटा से 4 घंटा में पहुंचाने में, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस अगर हेल्प नहीं करता तो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक के कारण ये असंभव था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले ने और पब्लिक ने काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प किया और यहाँ पे रास्ता बिल्कुल साफ मिला। और यहाँ पे जहाँ 7 से 8 घंटे का सफर था, वहाँ पे यहाँ पे 3.5 घंटा से 4 घंटे में मैंगलोर से बेंगलोर एम्बुलेंस को पहुँचाया गया और बेबी को हेड को ट्रांसमिट किया गया। जैसा कि वीडियो भी आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर को काफी ज्यादा यहाँ पे स्वागत भी किया गया, क्योंकि उसने काम ही ऐसा कर दिखाया, क्योंकि ये लोगों को असंभव था लेकिन ये संभव हो चुका। लेकिन टिकटॉक पे कुछ वीडियो है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, कुछ यूजर ऐसे भी है जो यूट्यूब से वीडियो या फिर ओल्ड वीडियो डाउनलोड कर और टिकटॉक पे अपलोड कर रहे हैं और वहाँ पे टेक्स्ट में लिख दे रहे हैं मैंगलोर टू बेंगलोर 3 और 4 आवर की सफर, और यहाँ पे वीडियो को अपलोड कर दे रहे हैं और यहाँ पे उसके लाइक्स एंड व्यूज भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये बता देता हूँ आपको, यदि आप इस प्रकार की गलती करते हैं तो आप टिकटॉक अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। तो प्लीज ये सब गलती मत करो यदि टिकटॉक यूजर है तो, क्योंकि टिकटॉक पे प्रत्येक दिन किसी न किसी प्रकार का वीडियो काफी तेजी से वायरल होता है। तो सबसे पहले तो मैं इस एम्बुलेंस वाले को सलूट करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने काफी 40 डे बेबी को जान बचाए हैं, हार्ट को ट्रांसमिट करना था और ये काम सफल हुआ। तो दोस्तों वीडियो में आपको पता लग गया होगा और मैं आपको एम्बुलेंस की स्पीड भी मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।